नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, रिवाइज जो आंसर की थी, जो संशोधित आंसर की थी, वो आ गई है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं, कौन से क्वेश्चनों पे चेंज हुआ है उनको भी बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और इंग्लिश में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, हाँ हिंदी में भी कोई चेंज नहीं है, संस्कृत में। यहाँ पे देखिए आप, दो और तीन विकल्प सही माने गए हैं और एक EBS का क्वेश्चन यानी पर्यावरण सेक्शन का एक क्वेश्चन, यहाँ पर दो विकल्प सही माने गए हैं। यानी कि आयोग ने, PNP ने सिर्फ और सिर्फ दो प्रश्नों में बदलाव किया है, लेकिन वो जो पहले उत्तर मानते थे वो भी मान रहे हैं और इसके अलावा एक उत्तर और मान रहे हैं। यानी कि कामन अंक इसमें नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्रश्न और इसमें कामन अंक बिल्कुल नहीं दिए गए हैं। हाँ, इन दोनों प्रश्नों के दो विकल्प आयोग ने सही मान लिए हैं। अब चलिए चलते हैं उन प्रश्नों पर। दोस्तों, पहला प्रश्न यहां पर जो है ये संस्कृत से रिलेटेड है, असनी शब्द है। यहां पर आयोग ने जो है क्या कहते हैं, दो सही माने हैं, एक और तीन, यानी कि पुल्लिंग भी सही माना है और स्त्रीलिंग भी सही माना है। इसके अलावा जिन लोगों ने ये दो विकल्प इधर वाले लगाए होंगे उनके गलत, यानी कि पुल्लिंग वाले को भी एक नंबर मिलेगा और स्त्रीलिंग वाले को भी एक नंबर। तो यहाँ पे इन दोनों लोगों को कॉमन नंबर मिल जाएगा जिन्होंने सिर्फ एक और तीन आंसर जो है लगाया होगा। और दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे इसमें कॉमन अंक नहीं दिए गए हैं, दो विकल्प सही मान लिए गए हैं। और दोस्तों, एक प्रश्न है पर्यावरण का, EBS का। तो यहाँ पर पहले इन्होंने जो है क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सही माना था EBS सेक्शन में, अब जो है उत्तराखंड को भी सही मान लिया है। तो जिन लोगों ने दो और तीन विकल्प जो है ये आंसर में लगाए होंगे उनको ही एक नंबर मिलेगा। यानी पहले से जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में लगाए हुए हैं तो उनका तो काउंट पहले ही हो गया था, लेकिन जिन्होंने उत्तराखंड लगाया था और उस पर आपत्ति की थी उनको भी अब एक नंबर दे दिया जाएगा। बाकी एक जिसने लगाया और चार जिसने लगाया उसको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, कई विवादित प्रश्न थे, जैसे लचीला संविधान करके प्रश्न था, उसमें भी जो है कोई चेंज नहीं किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि एक एजोटोवेक्टर क्लास्टिडियम राइबोजियम करके प्रश्न था, उसमें क्लास्टिडियम ही सही माना है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। और एक टैगा और टुंड्रा प्रदेश करके, मतलब रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न था, उसको भी जो है बदला नहीं गया है। और एक अनुच्छेद 356 का प्रश्न था, उसको भी बदला नहीं गया है। सिर्फ पूरे क्या कहते हैं, पूरे सेट्स में दो ही बदलाव किए गए हैं और उसमें भी कॉमन नंबर नहीं दिया गया है। तो इसमें दो और तीन जिन्होंने सही किए हैं उनको एक नंबर दिया गया है। और अशनि, जो कि संस्कृत जिनका सब्जेक्ट था, जिनकी भाषा थी, संस्कृत में एक दो विकल्प सही किए गए हैं, यानी कि कॉमन नंबर किसी में भी नहीं दिए गए हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल तय हो चुका है कि जो प्रश्न अभी बाकी हैं, जैसे मानसूनी वन वाला एक प्रश्न था, उसको उसमें भी लोगों को आपत्ति थी, लेकिन वो भी जो है उसमें जो है सुधार नहीं किया गया है। अब ये मामला सीधे 2019 का जो टेट है, ये जो प्रश्न है, निश्चित रूप से कोर्ट में जाएंगे और वहीं पर पूरी तरीके से डिसाइड होगा कि किस प्रश्न पे कितने नंबर मिलने हैं। फिलहाल आप लोग चेक कर लीजिए, इसमें से जिसका उत्तराखंड वाला नंबर बढ़ा हो, असनी वाला बढ़ा हो, अगर वो 88 पे आ रहा है तो निश्चित रूप से उसके 90 अंक हो जाएंगे। दोस्तों, कॉमन अंक किसी को नहीं, सिर्फ दो प्रश्नों के दो विकल्प सही किए गए हैं प्राथमिक स्तर की रिवाइज आंसर की में। थैंक यू।